सभी को नमस्ते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बढ़िया एसयूवी टाटा। पहली है टाटा की सफारी और दूसरी है महिंद्रा की अल्ट्रस G4। तो दोस्तों, हमें सभी को पता है कि अल्ट्रस G4 को टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उनसे कंपटीशन के लिए महिंद्रा ने लॉन्च किया था, लेकिन फुली लोडेड फीचर होने के बावजूद भी इस गाड़ी की बढ़िया सेल नहीं हो पाती है। इसके कारण इसका जो मार्केट शेयर है और इसमें जो फीचर मिलते हैं उसके बावजूद भी इस गाड़ी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की गाड़ियों को मिलता है। इसी के कारण आज हम बात करने वाले हैं एक 15 लाख की एसयूवी और एक 30 लाख की एसयूवी के बीच का जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं, और कहीं कई मामले में टाटा सफारी अल्ट्रस G4 से बराबर का कंपटीशन लोहा लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइस रेंज है 30 लाख में, उसमें टाटा सफारी से ज़्यादा फीचर आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि क्या आपको ज़्यादा पैसा लगा के अल्ट्रस G4 लेना चाहिए, या कम पैसे में भी आपको टाटा सफारी उतना अच्छा फीचर दे देती है, उतना अच्छा सेफ्टी, उतना अच्छा माइलेज दे पाती है या नहीं। सो फ्रेंड, टाटा सफारी में आपको 11 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है, वहीं अल्ट्रस G4 में आपको सिर्फ 2 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा सफारी की XZA+ एडवेंचर परसोना वेरिएंट के बारे में, जो कि टॉप मॉडल है टाटा सफारी की। वहीं हम अल्ट्रस G4 का भी टॉप मॉडल 4-व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंपैरिजन को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों टॉप मॉडल की प्राइस के बारे में। तो टाटा सफारी XZA+ एडवेंचर परसोना वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 21.83 लाख, वहीं अल्ट्रस G4 का जो टॉप मॉडल का प्राइस है 31.74 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की इंजन के बारे में। तो टाटा सफारी में आपको 1956 cc का इंजन मिलता है, वहीं अल्ट्रस G4 में आपको 2157 cc का इंजन मिलता है। टाटा सफारी में आपको 2.0 लीटर क्रायोटेक इंजन मिलता है, वहीं अल्ट्रस G4 में आपको 2.2 लीटर का इंजन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों का फुल टाइप डीजल है, जहाँ टाटा सफारी 168 bhp का पावर जनरेट करता है एट द रेट 3750 rpm, वहीं अल्ट्रस G4 178 bhp का पावर जनरेट करता है एट द रेट 3800 rpm, जहाँ टाटा सफारी आपको 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट 1750 rpm, वहीं अल्ट्रस G4 आपको 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट 1600 rpm। टाटा सफारी का टॉप मॉडल XZA+ एडवेंचर परसोना में आपको 14.08 kmpl का माइलेज मिलता है, वहीं अल्ट्रस G4 में आपको 12.03 kmpl का माइलेज मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्राइव ट्रेन के बारे में। तो टाटा सफारी में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है, वहीं आपको अल्ट्रस G4 में 4-व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ट्रांसमिशन के बारे में। तो टाटा सफारी में आपको ऑटोमेटिक 6 गियर मैनुअल ओवरराइड और स्पोर्ट मोड मिलता है, वहीं अल्ट्रस G4 में आपको ऑटोमेटिक 7 गियर और मैनुअल ओवरराइड ट्रांसमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशन के बारे में। तो टाटा सफारी का लेंथ है 4661 mm, वहीं अल्ट्रस G4 का लेंथ है 4850 mm। टाटा सफारी का वेट है 1894 mm, वहीं अल्ट्रस G4 का वेट है 1845 mm। टाटा सफारी का जहाँ 1786 mm का हाइट मिलता है, वहीं आपको अल्ट्रस G4 में 1845 mm का हाइट मिलता है। टाटा सफारी में आपको 2741 mm का व्हील बेस मिलता है, वहीं
अल्ट्रस जी फोर में आपको 2865 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। टाटा सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं अल्ट्रस जी फोर में आपको 244 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। आप बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की कैपेसिटी के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 डोर का ऑप्शन मिलता है, वहीं दोनों गाड़ियों में आपको 7% का सीटिंग कैपेसिटी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 रो ऑप्शन मिलता है। वहीं आप बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में, तो टाटा सफारी में आपको 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं अल्ट्रस जी फोर में आपको 234 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक के बारे में, तो टाटा सफारी में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं अल्ट्रस जी फोर में आपको 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के मद्देनज़र आपको टाटा सफारी में 6 एयरबैग मिलता है जो कि, और वहीं अल्ट्रस जी फोर में आपको 9 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको EBD मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको ब्रेक असिस्ट मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की सेंट्रल लॉकिंग के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेंट्रल लॉकिंग कीलेस मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एयर कंडीशनर, हीटर, कैबिन बूट एक्सेस मिलता है। तो अब बात करते हैं पार्किंग असिस्ट के बारे में, तो टाटा सफारी में आपको रिवर्स कैमरा विथ गाइडेंस मिलता है, वहीं अल्ट्रस जी फोर में आपको 360 डिग्री रिवर्स कैमरा मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के क्रूज कंट्रोल के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों की जो स्टीयरिंग है वो उसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है। अब बात करते हैं उन फीचर के बारे में जिसमें टाटा सफारी में आपको वो फीचर तो मिलते हैं लेकिन अल्ट्रस जी फोर में आपको वो फीचर नहीं मिलते हैं, तो वो है कि रिमोट कार लॉक और अनलॉक विया ऐप, फाइंड माई कार, ये दो ऑप्शन अल्ट्रस जी फोर में नहीं मिलते हैं लेकिन टाटा सफारी में मिलते हैं। अब दोनों ही गाड़ियों में आपको लीदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ड्राइवर आर्मरेस्ट मिलता है, तो टाटा सफारी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है लेकिन अल्ट्रस जी फोर में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है। तो यही कुछ फीचर हैं जो कि दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, जो कि आपको 20 से 22 लाख के प्राइस रेंज में भी मिलता है और 30 लाख के प्राइस रेंज में भी आपको मिलता है।